Dear students and viewers, Assalamu Alaikum. Today, our topic is rectification. The process in which we convert alternating current to direct current is known as rectification. The process of converting AC into DC, alternating current into direct current is known as rectification the device which convert ac into dc the device which convert alternating current into direct current is known as rectifier the rectifier is is of two types half wave rectifier half wave Rectifier and full wave rectifier. First of all, we we'll discuss about half wave rectifier. In half wave rectifier, we use only one diode which is connected with the Alternating source and load resistance in series. Arrowheads represent the P type and vertical line represent the N type. Here is input for only one cycle. The time required to complete one cycle is known as time period. अब यहाँ पे वन साइकिल बन रहा है लेकिन हम हाफ की बात करते हैं तो जिसके लिए जो टाइम लगेगा वो ज़ीरो से टी बाई टू ज़ीरो से टी बाई टू जो हमारे पास ए पॉइंट है ये पॉजिटिव होगा और बी पॉइंट हमारे पास नेगेटिव होगा जब हमारे पास क्रस्ट आएगा ज़ीरो से टी बाई टू उस वक्त ए पॉजिटिव बी नेगेटिव पी टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी

ये डायोड हमारे पास होगा फॉरवर्ड बॉयस्ड करंट कंडक्ट होगा लेकिन जैसे T बाई टू से लेकर T तक ये वाला पोर्शन आएगा T बाई टू टू टी तो उस वक्त A टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव एंड द B टर्मिनल बिकम्स पॉजिटिव सो P टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी ऑफ सोर्स एंड N टाइप इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स देन द डायोड इज़ रिवर्स वायस द करंट विल नॉट पास थ्रू द डायोड द करंट इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल विच इज़ नॉन लीकेज ऑफ करंट विच इज राउंड अबाउट ज़ीरो सो द नेगेटिव साइकिल विल बी क्लिप्ड ऑफ तो नेगेटिव साइकिल जो है वो इसमें कंडक्ट नहीं होगा जस्ट पॉजिटिव इसमें से पास थ्रू होगा सिचुएशन ये बनी अगर ये हमारे पास इनपुट आ रही थी ये हमारे पास वेव इनपुट आ रही थी तो उसकी जो आउटपुट होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी कि क्रस्ट तो इसमें कंडक्ट होगा लेकिन ट्रफ फिर ब्लॉक होगा क्रस्ट पास थ्रू हुआ और ट्रफ ब्लॉक हो गया इसका मतलब ये हो गया कि क्रस्ट इसमें से पास थ्रू होगा हाफ वेव इसमें से पास थ्रू होगी और जो ट्रफ होंगे हाफ वेव वो यहाँ पर क्लिप हो जाएगी तो मीन्स हाफ वेव इसमें से पास थ्रू हो सकती है और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ट्रफ है वो इसमें से पास थ्रू हो नहीं होगा करंट एक डायरेक्शन को बना लिहाजा डायरेक्ट करंट है जो अल्टरनेटिंग करंट था वो दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेकिन जब आप आ, उसके जो आउटपुट आती है डाआउट के बाद वो जस्ट हमें क्रस्ट मिलता है ट्रफ इसमें से ब्लॉक हो जाता है आधी वेव इसमें से पास थ्रू होती है आधी ब्लॉक हो जाती है तो ऐसे रेक्टिफायर को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेसन इज़ अ प्रोसेस इन विच वे कन्वर्ट ए सी इन टू डी सी रेक्टिफिकेसन ए सी टू डी सी है ऑल्टरनेटिंग टू डायरेक्ट करंट है करंट की जिसमें डायरेक्शन चेंज ना हो उसमें हम कन्वर्ट करते हैं लेकिन फुल वेव से मुराद ये है उसमें क्रस्ट भी कन्डक्ट हो और ट्रफ़ भी कंडक्ट हो सर्कल डाइग्राम कुछ इस फॉर्म में है कि फोर डाओड्स आर कनेक्टेड इन अ लूप डेयर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं के

डियर स्टूडेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया फोर डायोड्स आर कनेक्टेड इन द लूप डी वन डी टू डी थ्री डी फोर आर कनेक्टेड इन अ लूप बिटवीन द पॉइंट ए बी वो हैव अप्लाइड द सोर्स एंड एक सी डी वो कनेक्ट आ लोड रेजिस्टेंस फॉर द आउटपुट सेम दूसरा सर्किट भी ऐसे ही बनाया है कि हमने ए बी के क्रॉस इनपुट दे दी ए सी सोर्स के ज़रिए और सी डी के क्रॉस हमने आउटपुट ले ली एक करॉस द रजिस्टर अब हम इन दोनों सर्किट का डायग्राम जो कि सेम हैं अब यहाँ पे इनपुट अप्लाई करते हैं और यहाँ पर जब हम इनपुट इसे एसी साइकिल में देते हैं इसमें जस्ट हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है जीरो से लेकर टी बाई टू तक उस वक्त इसका अपर एंड पॉजिटिव और लोअर नेगेटिव होगा और एक, -एक क्रॉस, जब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो एक क्रॉस पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट हमारे पास आ रहा है तो डी वन जो कि पी टाइप इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी एंड एन टाइप इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल बैटरी सच बाइसिंग इज़ नॉन एज फॉरवर्ड बाइस। अब करंट यहाँ से इस पाथ में मूव करेगा यहाँ से ए टू डी जाएगा डी से एक रास द रजिस्टर डाउनवर्ड मूव करेगा फिर ऐसे होता हुआ करंट ये टर्मिनल सी पे आ जाएगा और सी के एक रास फिर ये मूव करेगा डी में और डी से वापस बी के क्रॉस इसका सर्किट मुकम्मल होगा यानी इसमें ए D1 वन रजिस्टर डी और लूप कंप्लीट हुआ तो इस तरीके से D1 वन एंड डी थ्री आर फॉरवर्ड बॉयस वाइल D2 टू एंड डी फोर आर रिवर्स बॉयस तो इस वजह से फॉरवर्ड बॉयस डी वन और डी थ्री कंडक्ट करेंगे और डी टू और डी फोर जो कि रिवर्स बायस होंगे ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अब हम दूसरे साइकिल की बात करते हैं जैसे इसमें ट्रफ वाली सिचुएशन आएगी ट्रफ वाली सिचुएशन आएगी तो अपर एंड हमारे पास बन जाएगा नेगेटिव और लोअर एंड बन जाएगा पॉजिटिव तो अब सिचुएशन ये होगी कि करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे मूव करता हूँ इस पाथ में आएगा बी में जाएगा लेकिन बी से डी थ्री में नहीं जाएगा बल्कि डी टू में फॉरवर्ड बाइस की वजह से इसमें से कंडक्ट करेगा और फिर रजिस्टर में से डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा है इस बात में आ जाएगा फिर ये सी से होता हुआ डी फोर में मूव करते हुए ए के रास वापस अपना लूप मुकम्मल करेगा तो इस सिचुएशन में हमारे पास डी टू और डी फोर ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होंगे जबकि डी वन और डी थ्री ये हमारे पास रिवर्स बायस होंगे तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि पहले सर्किट जब क्रस्ट आया था तो रेजिस्टर के क्रास जो करंट मूव कर, कर, कर रहे हैं डाउनवर्ड है और जब ट्रफ़ आया तब भी करंट मूव कर रहे डाउनवर्ड डेर स्टूडेंट यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले सर्किट में भी करंट मूव कर रहे हैं रजिस्टर के क्रास डाउनवर्ड और दूसरे सर्किट जब वो ट्रफ़ आता है इसमें इनपुट के तौर पर तब भी करंट मूव कर रहा है डाउनवर्ड तो करंट यूनिट डायरेक्शन बन गया करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट डा, करंट का नाम दे देते हैं इस वजह से फुल वो वेव यहाँ पर कंडक्ट हो रही है तो ये हमारे पास अगर मेन लाइन है तो ये जब क्रस्ट आया तब भी हमारे पास पॉजिटिव साइकिल में आ रहा है जब ट्रफ आ रहा है तब भी करंट की डायरेक्शन सेम है फिर क्रस्ट आएगा फिर ये हमारे पास कंडक्शन होगी D1 और D3 के जरिए और फिर जब ट्रफ़ आएगा फिर कंडक्शन होगी D2 और D4 के जरिए तो ये सिलसिला हमारे पास जारी रहेगा यानी करंट मुकम्मल तौर पर कंडक्ट हो रही है क्रस्ट भी ट्रफ भी लेकिन करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है तो ये करंट कहलाता है डायरेक्ट करंट ये हमारे पास इनपुट की सिचुएशन थी क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट लेकिन जो आउटपुट हमें मिल रही है क्रस्ट भी क्रस्ट की फॉर्म में मिल रहा है जब ट्रफ आता है फिर भी हमारे पास करंट जो है वो रेजिस्टर के क्रॉस डाउनवर्ड है इसमें ट्र क्रस की फॉर्म में भी डाउनवर्ड था ट्रफ की फॉर्म में भी डाउनवर्ड है इसका मतलब है करंट यूनिट डायरेक्शन बन गया एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे तो ऐसे करंट को हम डायरेक्ट करंट का नाम देते हैं द प्रोसेस इन विच ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इंट डायरेक्ट करंट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन एंड दिस इज ऑफ टू टाइप्स हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में चार डायवर्ड हिस्सा लेते हैं इसमें पहले क्रस्ट के लिए जीरो से टी बाई टू तक के लिए डी वन और डी थ्री फॉरवर्ड बॉयस हैं D2 और D4 रिवर्स बॉयस हैं इस वजह से क्रस्ट कंडक्ट होता है और जब आता है ट्रफ T बाई टू से लेकर T तक उस सिचुएशन हमारे पास ये होती है कि D2 और D4 फोर फॉरवर्ड बॉयस हैं और D1 और D3 हमारे पास रिवर्स बॉयस हैं लेकिन करंट की डायरेक्शन अगेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम है मीन ट्रफ भी क्रस्ट में ही कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे पास करंट यूनिट डायरेक्शन बना जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को हमने डायरेक्ट करंट में चेंज कर दिया यह था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अल्लाह